नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हार्दिक त्रिवेदी। सेफ्टी बाजार में सबका स्वागत है। आज हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम एक्सीडेंट, उसकी डेफिनेशन, लॉस कॉजेशन मॉडल, उसके बारे में सीखा। आज के वीडियो में हम लोग रूट कॉज एनालिसिस के बारे में देखेंगे। तो कभी भी रूट कॉज एनालिसिस, RCA एनालिसिस हमको करना है तो उसके लिए 5 मेजर स्टेप हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, टाइम लाइन, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन, क्रिटिकल फैक्टर और करेक्टिव एक्शंस, ये 5 स्टेप को फॉलो करके हम RCA रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें से हम लोग आज पहली प्रोसेस देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, गेटिंग स्टार्टेड, द इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस गैदरिंग। तो उसके ऊपर में हम लोग अभी डिटेल में बात करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, क्यों, कौन और कब इन्वेस्टिगेशन करना है, क्यों करना है? तो कैजुअल फैक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए, जो एक्सीडेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, और एक ये लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करने के लिए। कौन कर सकता है? तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशनल टीम, सेफ्टी टीम और अदर एक्सपर्ट है वो कर सकते हैं, और एक्सटर्नल में जो स्टेचुटरी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो कर सकती है। कब इन्वेस्टिगेशन हमको करना है? तो ASAP, ASAP, एज सून एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी हमको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके बाद दूसरा था द इन्वेस्टिगेशन, उसमें प्री प्लानिंग एंड सेटिंग द सीन, उसमें हम प्री प्लानिंग देखेंगे। तो प्री प्लानिंग में क्या कि जहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करना है वहाँ पे हमको तुरंत पहुँच जाना है, और हमारे पास मोबाइल फ़ोन, कैमरा, PPE, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, स्टेशनरी, कंटेनर, स्टूल, अकोमोडेशन एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, ये सब के इक्विपमेंट हमारे पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। ये 4 चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ट्रैप में, ये झांसे के अंदर आपको नहीं आना है। पहला, पुट योर इमोशन असाइड, आपके जो इमोशन है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइड में रखिए, उसको आपके इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं करना है। डू नॉट लेट योर फीलिंग इंटरफेयर, स्टिक टू द फैक्ट, जो भी फैक्ट है, जो रियलिटी है उसके ऊपर चिपके रहिए, अपनी फीलिंग को किधर भी इंटरफेयर ना करने दें। डू नॉट प्री जज कभी भी ना करें कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा है, ऐसा है। जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हमको प्री जज नहीं करना है। फाइंड आउट द व्हाट रियली हैपन, हमको खोजना है, फाइंड आउट करना है कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ होगा। डू नॉट लेट योर बिलीफ्स क्लाउड द फैक्ट्स, फैक्ट के ऊपर में हमको हमारे बिलीफ को नहीं लादना है। तीसरा, नेवर एज्यूम एनीथिंग, कुछ भी हमको एज्यूम नहीं करना है, और डू नॉट मेक एनी जजमेंट, कुछ भी प्रकार का जजमेंट हमको नहीं देना है। तो इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद ही हमको जो करना है, बाकी हमारे इमोशंस, जजमेंट, कुछ भी हमको ऐसा देना नहीं है। तो ये ट्रैप के अंदर हमको कभी नहीं आना है। उसके बाद एविडेंस गैदरिंग, जो तीसरा हमने देखा था, तो एविडेंस गैदरिंग कैसे करेंगे? तो एक यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा जो है OPERA, ओपेरा करके। ओ मतलब ऑब्जर्व, टेक योर टाइम आउटसाइड इन। दूसरा पी, प्रोटेक्ट द एविडेंस, व्हाट कैन बी लॉस्ट। ई, एविडेंस गैदरिंग, फोटो, वीडियो, इनिशियल अकाउंट। आर, रिकॉर्ड व्हाट इज डन, हु डिड व्हाट एंड व्हाई। एंड अकाउंट फॉर पीपल, लिस्ट द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ये ओपेरा है, उससे हम लोग एविडेंस गैदरिंग कर सकते हैं। ऑब्जर्व करना है, एविडेंस को प्रोटेक्ट करना है, एविडेंस को